चल रही है करुणा रेखी वाली। चलिए अब रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए हम। चलिए गुड गुड इवनिंग इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वेबिनार है, हमारा है एंजल्स के बारे में। आप सभी ने सुना होगा एंजल्स के बारे में, अधिकतर सभी लोग जानते हैं एंजल्स को। अधिकतर आप सभी लोग जानते होंगे एंजल्स के बारे में कि एंजल्स क्या होते हैं और वो किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। एंजल्स का कोई जन्म नहीं होता है, ये देवदूत जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं जो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, एंजल्स हर व्यक्ति के पास, दो एंजल्स उनको मिलते ही हैं बाय बर्थ। हर व्यक्ति को दो एंजल्स बाय बर्थ मिलते हैं, एक मदर का रोल प्ले करते हैं और एक फादर का रोल प्ले करते हैं। तो इसके अलावा हर व्यक्ति के अपने कुछ गार्डियन एंजल्स भी होते हैं। जब आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर हम उसको सीखेंगे कि किस तरह से हमने अपने गार्डियन एंजल्स को जानना है। और जब हमें मालूम चलता है कि जो हमारे ये गार्डियन एंजल्स हैं, तो फिर आपको जब भी कभी कोई हेल्प की जरूरत है, किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए, तो आप उनसे वो हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, देखिए एंजल्स की जो एक प्रॉपर फॉर्म दे रखे हैं कि एंजल्स क्या है। एंजल्स यानी कि ANGEL, जिसमें ए को हमने डिनोट करा है ऑलवेज विद यू, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। अगर आप उनको मानते हैं तभी भी वो आपके साथ होते हैं, आप उनको नहीं मानते तभी भी वो हमारे साथ होते हैं। जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, जो बहुत ऑकल्ट साइंस के अंदर, बहुत ही एक ऑकल्ट साइंस में चाहे नहीं भी होते हैं, लेकिन एक उनके स्पिरिचुअल लेवल होता है ना, उन सभी के साथ एंजल्स होते हैं। कहा जाता है कि जब आप लोग रेकी लेवल 1 और 2 करते हैं, किसी भी मोडालिटी का जब आप ज्वाइन करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, एंजल्स ऑटोमेटिकली आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाती है। और जो लोग उस पाथ पर चल रहे हैं, वो लोग इस चीज को फील भी करते होंगे कि कभी उनको कोई क्वेश्चन उनके दिमाग में है, उनको उसका जवाब चाहिए, आंसर चाहिए, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में उनको वो मिल जाता है। चाहे वो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज के थ्रू आपको वो मैसेज दे दे, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति अचानक से आपके जीवन में आ जाए जो आपको वो मैसेज दे दे। हो सकता है आप कोई बुक पढ़ें तो उसके अंदर वही पेपर, वही पेज आ जाए और उस पेज के ऊपर वही लिखा हुआ आ जाए। तो इस तरीके से वो हमेशा आपके साथ होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता जब तक कि हम उनके बारे में जानते नहीं। सेकेंड है हमारा एन, नेवर जज यू। एंजल्स कभी भी आपको जज नहीं करते हैं, अगर आप अच्छे हैं चाहे आप बुरे। ठीक है, जिस तरीके से एक पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों को जज नहीं करते हैं। अगर आपके बच्चे से कोई चीज, कभी कुछ गलती हो जाती है तो आप क्या करते हैं, आप उनको समझाते हो। लेकिन कभी कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तब भी क्या आप अपने बच्चे को जज करते हैं? आप नहीं बोलते ना कि आपके बच्चे की गलती है, बेशक आपको मालूम भी होगा तब भी आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, हमारे बच्चे के साथ सब कुछ अच्छा हो। तो उसी तरीके से एंजल्स हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता आपके, आपने क्या गलत किया क्या सही किया, वो आपको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने किसी का मर्डर करा है और आप उनसे हेल्प मांग रहे हैं तो वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आप उनसे हेल्प मांग रहे हैं तो वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, पॉजिटिव वे में। ठीक है, वो आपको हमेशा हेल्प करते हैं, एज अ पेरेंट हमेशा आपके साथ है। जी का मतलब है गिव्स यू गाइडलाइन ऑन अ डेली बेसिस। आप उनसे हर रोज पूछ सकते हैं, सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने तक के बीच में जितनी भी चीजें हैं। इनफैक्ट अगर आपको आज क्या खाने में बनाना है, आप उनसे गाइडलाइन लेके बना सकते हैं। आपको सब्जी खरीदनी है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से अच्छी सब्जी खरीद सकते हैं। ये तो मतलब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से क्या होता है कि आप लोगों का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है।
सपोज आप बीमार हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना है, आप एंजल से प्रेयर करें, ऑटोमेटिकली ऐसे रास्ते बनेंगे कि आपको आपका डॉक्टर मिलेगा। अगर आपको सपोज किसी को गिफ्ट देना है, आपको समझ नहीं आ रहा आप उसको क्या गिफ्ट दें, आप एंजल से प्रेयर करें कि मैं एक वेस व्यक्ति के यहाँ मुझे जाना है, मुझे क्या गिफ्ट दूं मैं, आप प्लीज सजेस्ट करें, वो आपको सजेस्ट करेंगे। और आप देखेंगे कि जब वो गिफ्ट आप उस व्यक्ति को लेके जाएंगे तो वो कहेगा अरे मुझे इसी की जरूरत है, क्योंकि ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपके साथ भी होगा जब आप उन चीजों पर बिलीव करेंगे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपका बिलीफ सिस्टम उस चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, एनफोल्ड यू इन हीलिंग, ई का मतलब है एनफोल्ड यू इन हीलिंग, मतलब कि वो हमेशा आपको हील करते हैं, और जो भी लोग हीलिंग मोडालिटी के अंदर आते हैं उन सभी को वो, जब भी आप किसी को हील करते हैं तो आप उनसे हेल्प लेकर, उनसे उनको प्रे कर कर आप सामने वाले को हील कर सकते, अपने आप को हील कर सकते। लव यू अनकंडीशनली, और वो आपको बहुत प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन बात यह है कि वो अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस को पसंद नहीं करते। एंजल्स को इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, जब आप एंजल्स को हेल्प के लिए बुलाते हैं वो तभी आपके पास आते हैं हेल्प, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप उनको इन्वोक नहीं करेंगे वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एंजल्स की चीज है कि वो कभी किसी की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, एंजल्स जैसे मैंने आपको बोला है कि दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मदर का रोल प्ले करते हैं और एक होते हैं फादर का। जो मदर का रोल प्ले करते हैं उनको कहते हैं कि वो थोड़े से काम होते हैं, वो थोड़ा आपको प्रेम से वो करते हैं, और जो एक फादर का रोल होते हैं कि जैसे अगर आप कुछ गलत चीज करने जा रहे हैं तो आपको वहां पे वो थोड़ा सा रोकेंगे, पहले प्रेम से रोकेंगे, अगर आप प्रेम से नहीं रोकेंगे तो वो थोड़ा सा अपना स्ट्रिक्टनेस भी आपको दिखाएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो ये आपका अपना बिलीफ सिस्टम है कि आपने उनकी बात को कितना समझा। ठीक है, जब आप कोर्स के अंदर आते हैं तो आप रेगुलर उनके मेडिटेशन होते हैं, 15 एंजल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, नॉर्मल 15 एंजल्स के बारे में ही बताया जाता है, हालांकि एंजल्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अनगिनत, बट उसमें से मेन 15 एंजल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और उतना उस अगर हम उनको ही प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं अपने जीवन में तो आपकी लाइफ के 99% सोल्यूशन आपको वहां पर मिलते। ठीक है, एंजल्स बहुत साल पहले भी थे, फिर उसके बाद आपने अब देखा होगा कि 2012 के बाद से एंजल्स के बारे में लोग ज्यादा अवेयरनेस, उससे पहले लोग उनको नहीं जानते, क्योंकि 21 दिसंबर 2012 में कुछ आकाश गंगा जो थी हमारी, जब हमारा चंद्रमा और हमारी जो अर्थ और सूर्य जब एक उसमें आए थे कुछ पलों के लिए, तब एंजल्स धरती पर आए थे, धरती की एनर्जी को बैलेंस किया, और तब से लोग उनको जान, उससे पहले नहीं जानते थे, हालांकि ईसा मसीह के समय में भी एंजल्स आए थे, उन्होंने ये बताया था कि ईसा मसीह ने जन्म ले लिया, पर तब लोग उनको नहीं जानते थे। 2012 के बाद से लोग उनको बहुत ज्यादा जानने लगे। अगर आप देखेंगे आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले, इन चीजों पे कोई इतना बिलीव नहीं करता था, ना कोई इन चीजों को मानता था। हाँ, हम कहानी पढ़ा सुनते थे, परियों की कहानी है ना, लेकिन वो ठीक है, वो एक कहानी तक होती थी, लेकिन अभी इस चीज को मानने लगे। और अगर आप इनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे, तो आप इनके हर रोज चमत्कार देखेंगे। पर ऐसा नहीं होता है कि हर व्यक्ति को एंजल्स नजर आते हैं, या हर व्यक्ति उनसे बात कर पाता है, या हर व्यक्ति उनको फील कर पाता है। ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनके साथ आपको कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, और जब आप उनके साथ अपने कनेक्शंस बनाते हैं तब वो आपको महसूस होते हैं, किसी को वो एनर्जी फील होती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके साथ बातें करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वो दिखाई देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जिनको वो गाइड करते हैं, मतलब प्रॉपर उनसे बात करते हैं, उनको ड्रीम में आके सोते हुए उनकी आंखें खुल जाती हैं, ऐसा लगेगा कि कोई आपके कानों में आके कुछ बोल के चला गया है, कोई आपको समझा के चला गया, एक पॉजिटिव वे में, कोई भी नेगेटिव वे में नहीं, ठीक है। एंजल्स हमेशा पॉजिटिव वे में आपकी हेल्प करेंगे, किसी भी तरह से वो नेगेटिव उसमें आपको हेल्प हेल्प किया मतलब आपको वहां से बचाएंगे, आपको गाइड करेंगे कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है या ये चीज आपको नहीं करनी, ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज को मानो या फिर आप उस चीज को मत मानो। आप कभी किसी कारणवश हम उन चीजों को नहीं भी मानते हैं, क्योंकि हम इमोशनली किसी चीज के साथ हम बहुत अटैच्ड है और एंजल्स हमको बोलेंगे ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, तो हमारा मन अंदर से नहीं मानेगा, ठीक है। ऐसा होता है लोगों के साथ में, हालांकि मैं तो कहूंगी कि आप अगर उन्होंने आपको ये गाइडलाइन दी है तो आपको नहीं मानना, पर ठीक है कभी कभी हमारा हम नहीं उस चीज को उतना फॉलो कर पाते हैं और हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, और अगर उसके बाद आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंजल्स आपसे नाराज हो, आप तब भी उनसे हेल्प मांगेंगे, वो तब भी आपको हेल्प। ईश्वर तो बहुत बड़े हैं, ईश्वर से बड़ा तो कोई भी नहीं है, लेकिन एंजल्स जस्ट लाइक अ गॉड, वो ईश्वर की तरह ही आपकी मदद करते हैं। जैसा कहते हैं ना कि माँ एक एंजल होती है, माता पिता दोनों ही एंजल होते हैं, लेकिन माँ को थोड़ा सा ज्यादा वो दिया जाता है, अभी अब फादर्स को भी बहुत देने लग गए हैं, अप्रिशिएट करने लग गए हैं, तो माता पिता क्या होते हैं, वो एक एंजल की तरह ही होते हैं ना हमारे जीवन में। कहते हैं कि अगर भगवान सब जगह नहीं जा सकते आप हर बच्चे को देख रेख करने के लिए, तो भगवान के रूप में माता पिता को बच्चे को दिया जाता है कि वो आपको केयर करे, तो उसी तरीके से एंजल्स होते हैं, माता पिता के रूप में आपकी केयर करते हैं, आपको हेल्प भी करते हैं। जब आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति आपके साथ है, कोई है आपके साथ जो आपको हील कर रहा है, जो आपको समझ रहा है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप में से कुछ लोगों ने इस चीज को महसूस भी किया होगा, कुछ लोग ऑलरेडी कोर्स करके ही आते हैं तो वो इस चीज को महसूस भी उन्होंने किया होगा जो मैं कह, ठीक है। अब हमारे जैसे कि 15 एंजल्स हैं, यहाँ पे मैं आपको आर्के एंजल जोफिल जी के बारे में बताऊंगी। अच्छा देखिए, ये है हमारे आर्कएंजल जॉफ, आर्कएंजल जॉफल इज अ ब्यूटी ऑफ गॉड, ये खूबसूरती के लिए, अगर आप देखो हर इंसान के जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में मनी इज इम्पोर्टेंट क्योंकि उसको मनी की जरूरत है, किसी के व्यक्ति के जीवन में हेल्थ इज इम्पोर्टेंट क्योंकि उसको हेल्थ की जरूरत है, किसी व्यक्ति के जीवन में फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, और कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खूबसूरती से बहुत प्रेम करते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि वो खूबसूरत लगे, तो जॉफल जो है ये आपके ब्यूटी ऑफ गॉड है, ये आपको ब्यूटी देते हैं। जब भी आप किसी पार्टी में जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप इनको इन्वोक करके जाएं, तो आप देखिए आपको यकीनन हर कोई बोलेगा कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटी टुडे, ठीक है। ये एंजल हमारे हम इनको यूज करते हैं जब किसी का कोई ब्यूटी का काम होता है, जैसे कोई पार्लर का बिजनेस है, कोई फैशन इंडस्ट्री से अगर आप ज्वाइन कर आप जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई फैशन डिजाइनिंग का काम है, कोई बुटीक है, वहां पर कुछ भी क्रिएटिविटी है, आप एक आर्किटेक्चर हैं, अपने घर को कैसे आपको डिजाइन करना है, घर के अंदर किस तरीके से आपकी हर चीज मैनेज हो, बैलेंस हो, आपका घर साफ सुथरा हो, ब्यूटीफुल लगे, आप उन सब चीजों के लिए आर्के एंजल्स को बुला सकते, ठीक है ना, आर्के एंजल जोफल को बुला सकते। इसके अलावा 15 एंजल्स होते हैं,
15 एंजल्स, सबके अलग अलग काम होते हैं। एक कोई एंजल्स आपको मनी के लिए, उनको देखो एंजल्स, देखो एक घर में है मम्मी है पापा है बच्चे। अगर आपको किसी को हेल्प की जरूरत है तो अगर आप मम्मी को बुलाएंगे तो मम्मी भी आपकी वो हेल्प कर सकती हैं। अगर आप पापा को वो काम बोलेंगे तो आपके फादर भी आपको वो कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। पर हर व्यक्ति की एक ड्यूटी होती है, मदर की एक ड्यूटी है, फादर की एक ड्यूटी है, बच्चों की एक ड्यूटी है, और जो घर में काम करने आ रही है आपकी मेड उसकी अलग ड्यूटी है। पर ऐसा तो नहीं है ना कि मम्मी वो काम नहीं कर सकती जो घर की मेड कर रही है, कर सकती है, लेकिन वो काम उनका नहीं है, वो काम उन्होंने इसलिए उन्होंने हायर करी है मेड, क्योंकि वो उनका काम नहीं है, वो मेड का काम। जो काम मदर कर सकती है वो फादर भी कर सकते हैं, जो फादर कर सकते हैं वो मदर भी, लेकिन ईश्वर ने अलग अलग सबके काम डिवाइड करके भेजा है इस संसार के अंदर। उसी तरीके से एंजल्स के सबके अलग अलग काम होते हैं, वो सब डिवाइड करके आते हैं, ठीक है। जैसे आर्के एंजल माइकल, उनको हम प्रोटेक्शन के लिए बुलाते हैं। जैसे आर्के एंजल एरियल, उनको हम मन के लिए बुलाते हैं। जैसे आर्के एंजल गैब्रियल, उनको हम बुलाते हैं बच्चों के लिए। आर्के एंजल मेटाटॉन, उनको भी हम बच्चों के लिए भी बुलाते हैं, प्लस उनको हम बुलाते हैं आपको आगे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो उसी तरीके से हमारे 15 एंजल्स होते हैं। तो हर एंजल्स के अलग अलग काम होते हैं। तो जब हमारा लेवल 1 का जो हमारा ये कोर्स होगा, उसके अंदर हम इसके अंदर हमारे 3 लेवल्स होंगे। इसको हमने 3 लेवल्स में डिवाइड करा है। लेवल 1 के अंदर है हमारा प्रॉपर, आपको बताया जाएगा हु इज द एंजल्स, हु इज आर के एंजल्स, और कितने आर के एंजल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 15 होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, और वो कैसे कैसे आगे उनके बारे में कि वो किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं, उनके क्या क्या कलर्स होते हैं, उनकी क्या क्या फ्रेग्रेंस आप यूज कर सकते हैं, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करने के लिए आप किस तरीके से क्या क्या चीजों को यूज कर सकते हैं, वो सब आपको उसमें बताया जाए। उसके बाद आता है आपका लेवल 2। अच्छा, लेवल 1 में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके गार्जियन एंजल कौन से, ठीक है। आपके 7 चक्रास के, हर एक एक चक्र के एंजल्स होते हैं। आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग कोई भी मोडालिटी करते हैं, हर मोडालिटी के अंदर हम 7 चक्रा के ऊपर जरूर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि 7 चक्रा इज द बेस। रोटी कपड़ा मकान, अच्छे रिश्ते, अच्छे परिवार और अच्छा पैसा, हमको सब कुछ इन्हीं 7 चक्रा से मिलता है। अगर हमारे ये 7 चक्रा अच्छे से बैलेंस होते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो हम हमारे जीवन में इन सब चीजों को अचीव कर पाते हैं आसानी से। हालांकि ग्रह, नक्षत्र, कुंडलियां, ये सब भी अपनी जगह पे मैटर करती हैं, लेकिन जब आप एक हीलिंग मोडालिटी के अंदर आते हैं तो ये सब चीजें जब आप खुद से इन चीजों को महसूस करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि अगर आप सिर्फ इन चीजों के ऊपर ही आप अगर अपना जीवन चलाते हैं तो ये आपकी जो भी ग्रह, नक्षत्र, कुंडलियां आपको मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप उनसे हीलिंग करते हैं। पर अगर आप एज अ एस्ट्रोलॉजर इस भी हैं और साथ में आप एंजल थेरेपी भी कर रहे हैं तो ये आपको वहां भी आपको हेल्प करे। अगर आप एक वास्तु कंसल्टेंट हैं तब भी ये आपको हेल्प करे, ठीक है। हर तरीके से ये आपको हेल्प करेगी। तो 7 चक्रा, हर चक्र के एंजल्स के बारे में बताया जाएगा, और आपको उन चीजों का सारा मेडिटेशन जो भी है वो सब मैं आपको करवाऊंगी। यहाँ तक कि आपके जितने भी 15 एंजल्स हैं, 15 के 15 एंजल्स का मेडिटेशन आपको हर क्लास में, हर एक एक एंजल का मेडिटेशन मैं करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लेवल 2। लेवल 2 के अंदर हमारे 30 स्पेल्स होते हैं। हालांकि इसमें 30 स्पेल्स के नाम नहीं दे रखे हैं, इसके अंदर मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ 10 ही स्पेल के नाम दे रखे हैं, लेकिन हम 30 स्पेल्स कराते हैं। अच्छा, 30 स्पेल्स क्या है? वो होते हैं हमारे हीलिंग, जिसको हम बोलते हैं कार्ड हीलिंग, जिसमें हम कार्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे टैरेट कार्ड्स होते हैं, जो कार्ड्स वहां पे हम यूज करते हैं, और हर एक एक एंजल्स के जो भी हमारे कार्ड्स होते हैं वो लगाते हैं, और वहां पे
अगर आपको एक ही वर्ड, अगर सपोज आपको किसी बच्चे की मैरिज करनी, ठीक है, तो मैरिज के लिए आप वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ एंजल्स, मतलब वहां पे आप दो तीन चार एंजल्स को एक साथ बुलाएंगे और हीलिंग करेंगे उन कार्ड्स के माध्यम से। उसमें हमारे को कैंडल्स की जरूरत होती है, हमको कार्ड्स की जरूरत होती है, तो उस तरीके से आपकी वो हीलिंग होगी। और मैंने आपको बताया ना 30 स्पेल्स, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेल, तो उसमें 30 तरीके के स्पेल्स होंगे, यानी कि 30 तरीके की हीलिंग होंगी, जिसमें आपके मैरिज का होगा, जिसमें आपके फाइनेंस का होगा, जिसमें आपको बेबी कंसीविंग का होगा, जिसके अंदर आपके अगर बार बार कुछ इश्यूज होते हैं वो होगा, फिर क्रिटिकल हेल्थ इश्यू के लिए आएगा, नॉर्मल हेल्थ इश्यू के लिए आएगा, आपके कुछ कोर्ट से रिलेटेड कोई ऐसे केसेस चल रहे हैं, लीगल केसेस हैं उससे रिलेटेड होगा सब, और आपका ब्लैक मैजिक, ईवल आई, हर तरीके के उसके अंदर आएगा। यहाँ तक कि यहाँ पर आपका कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, जैसे हम हमेशा करवाते हैं कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑकल्ट साइंस। हर एक जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉर्ड कटिंग। अगर आप अपनी, अगर आप लोगों की, जब लोगों के साथ में कॉर्ड जुड़ती हैं तभी जिंदगी के अंदर परेशानियां भी आती हैं, और कभी कभी अच्छा जीवन भी आता है, लेकिन अच्छा सुख कम आता है, दुख ज्यादा आता है, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, और हम उसके साथ अपनी कॉर्ड्स को जोड़ लेते हैं तो वो चीजें हमको भी परेशान। कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में है और आप उनसे बहुत इंस्पायर हो हैं, और आप सोचते हैं कि काश मैं भी इसके जैसा हो जाऊं, या मेरा जीवन भी इसके जैसा हो जाए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि उसका जीव आप उसके जैसा आपका जीवन हो जाएगा, लेकिन उसके जीवन में जो दुख और तकलीफें होंगी वो भी आपके जीवन में आ जाए। अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे तो कुंडली के अंदर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपने कॉर्ड उस व्यक्ति से ऐसे जोड़ ली है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपका जीवन में वो तकलीफ आ रही है, क्योंकि आप उस व्यक्ति से इंस्पायर हो गए। ठीक है, अगर आप देखें तो हर देखो अगर आप देखेंगे, अगर आप देखो, मैं तो कहती हूँ किसी से भी कॉर्ड मत जोड़ो, आप परमात्मा से कॉर्ड जोड़ो, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर भगवान को भी आप देखेंगे, तो श्री कृष्ण भगवान के जीवन में भी संघर्ष था, श्री राम जी के जीवन में भी संघर्ष था, है ना, हर किसी के जीवन में उनके हिसाब से संघर्ष थे, और वो इस संसार में आए थे आप हम लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि मनुष्य जीवन में आपको इन सबको पार करते हुए उस परमात्मा से मिलना है, उस परमात्मा को जोड़ना है। ठीक है, तो ये सब हम जानते हैं ना, तो कॉर्ड कटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर हमारी उसकी हम हीलिंग सिखाते हैं, कॉर्ड कटिंग हीलिंग, आई थिंक वो 51 डेज, क्योंकि हर हीलिंग के अपने अपने दिन होते हैं, कोई हीलिंग आपकी 51 डेज की होगी, कोई हीलिंग आपकी 21 डेज की होगी, कोई हीलिंग आपकी 31 डेज की होगी। ये सारा कुछ मैं आपको, जब आप कोर्स करेंगे तो कोर्स के अंदर सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लेवल 3। लेवल 3 के अंदर आपको सारे मेडिटेशन होंगे, आपकी थर्ड आई के ऊपर काम किया जाएगा, आपकी इंट्यूशन पावर्स को बढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी उतना ही आप एंजल्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। जितना आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट नहीं करना है हमको, बैलेंस करना है, ठीक है, तो आप उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, और हो सकता है आप में से कुछ लोग उनको देख भी पाए। ठीक है, देखकर आप उन लोग उनसे बात भी करें। ठीक, तो लेवल 3 के अंदर आपके सारे मेडिटेशन है, ये 1 2 3 4 5, ये आपके 7 मेडिटेशन है, और इसी के अंदर आपको अट्यूनमेंट भी मैं दूंगी, और आपको ये सिखाया भी जाएगा कि आपने भी कैसे अट्यूनमेंट देने हैं। हर एंजल्स के अपने अपने कलर्स होते हैं, तो वो सभी कलर्स को आप किस तरीके से विजुलाइज करेंगे, वो सब कलर्स के क्या मायने हैं, वो सब कलर्स के क्या मतलब हैं, ये सब आपको डीपली उसमें सिखाया जाएगा, और ऐसे ही आप दूसरों को भी अटूनमेंट देंगे, और इसको करने के बाद आप एक एंजल ग्रैंड मास्टर, आपको जो डिग्री मिलेगी, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो मिलेगा एंजल ग्रैंड मास्टर। ठीक है,
तो ये हमारा पूरा एक कोर्स हमने जो डिजाइन किया है ये वो है। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है इस चीज से रिलेटेड तो वो आप मुझसे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा मैम, इसमें क्या कुछ सिंबल्स भी हैं क्या? कितने हाँ, सिंबल्स भी आपको सिखाए जाएंगे, सभी सिंबल्स हैं? एंजल्स के अलग अलग सिंबल्स। उस सिंबल्स को आप यूज कर सकते हैं, उन सिंबल्स को आप अपने घर में यूज कर सकते हैं, आप उन सिंबल्स को अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं, सब तरह आपको सिखाया जाएगा, उसका अटूनमेंट भी दिया जाएगा। वो जो सीजिल्स है वही सिंबल्स है या अलग कुछ है? जब आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा सीजल अलग होते हैं, सिंबल अलग होते मैम, ये हैं। मतलब हाँ हाँ बोलो। हीलिंग एंजल करते हैं कि उसमें हीलिंग हम लोग करते हैं? क्योंकि गॉड जब हम करेंगे तो गॉड जुड़ेंगे, पर यदि एंजल हीलिंग करेंगे जैसा कि कोर्स का नाम है, तो फिर गॉड हमसे क्यों जुड़ेंगे? हम तो एंजल से रिक्वेस्ट करके वो काम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हीलिंग करवा रहे हैं। कॉर्ड हमसे नहीं जुड़ेंगे, जो हमारी ऑलरेडी लोगों के साथ में कॉर्ड जुड़ी हैं, जैसे हम लोग कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करवाते हैं ना नॉर्मली। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैडम, जैसे हम लोग रेकी में कोई ऐसा सिंबल नहीं होता है कॉर्ड कटिंग के लिए, तो जैसे लोग बोलते हैं कि हम लोग कॉर्ड कटिंग अपनी तो कर लेते हैं लेकिन हम दूसरों की कैसे करें, तो वहां पर हमारे कॉर्ड कटिंग का पूरा एक स्पेल है जो कि आप दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। रही बात हीलिंग की, तो हीलिंग तो आप एंजल्स को बीच में रख के ही करेंगे ना, तो आपके साथ उस चीज, जब आप नॉर्मल, जब हम हीलिंग करते हैं, जब हम नॉर्मल हीलिंग करते हैं, ठीक है, तो हम कनेक्शंस बनाकर हीलिंग करते हैं। हालांकि कॉर्ड कॉर्ड तो मैं कहती हूँ कि आपकी जुड़ती है लेकिन ये आपके ऊपर है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आपकी कॉर्ड नहीं जुड़ेंगी, लेकिन शुरुआत में तो हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होते ना। धीरे धीरे जब हम उन चीजों को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, जब हम उन चीजों पर काम करते हैं, तब जाके हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं और तब हम इन चीजों को समझ पाते हैं कि हमें किसी के साथ भी इमोशनली अपनी कॉर्ड्स को नहीं जोड़ना, ठीक है? लेकिन वैसे हमारी कॉर्ड नॉर्मल लाइफ में जुड़ती रहती है, और चाहे हम कितने भी बड़े वो बन जाएं, बट वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और 90% लोग, जो मुझे लगता है, जो मेरी अपनी समझ है कि ऑकल्ट साइंस के अंदर लोगों के अंदर बहुत इमोशनल लोग, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी का दुख ऐसा सुनते हैं कि हम खुद उसके अंदर, मतलब हमें खुद तकलीफ हो जाती है कि एक व्यक्ति के अंदर कितनी दुख है, कितना तकलीफ है, कैसे वो बंदा जूझ रहा है। और हर व्यक्ति के जीवन में तकलीफ होती है कहीं ना कहीं, हमारे खुद के लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और हमें तब हमें रियलाइज होता है कि हमसे ज्यादा तकलीफ तो सामने वाले के अंदर है। तो वो भी एक प्रकार की हमारी, सिर्फ हमने विचार करे, हमने सोचा और हमारी कॉर्ड जुड़ जाती है वहां पर, ठीक है? लेकिन जब हम हीलिंग करते हैं तो हम वहां पर हमारी एनर्जी उतनी लेवल पे हम काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ एंजल्स को हेल्प करते, सॉरी, एंजल्स को प्रेयर करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारी जगह पे हीलिंग तो वो लोग करते हैं, ठीक है? हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, तो वहां पे हमारी कॉर्ड्स नहीं जुड़ती है, लेकिन जो हमारी पहले से ही कॉर्ड्स हमारी जुड़ी हुई होती हैं, जो पता नहीं कितने सालों से जुड़ी हुई होती हैं, बल्कि जन्मों से जुड़ी हुई होती हैं, उन चीजों को हम कैसे हील करें। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ग्रह नक्षत्रों की दशा कमजोर होती है, अगर आपकी ग्रह नक्षत्रों की दशा कमजोर है तो आपके ऊपर नजर दोष होगा, काला जादू नहीं भी होगा ना, तब भी चीजें ऐसी, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ, ईवल आई जिसको हम बोलते हैं, अट्रैक्ट होती है। या फिर अगर कोई व्यक्ति की कुंडलियों में सारे वो कमजोर हैं उनके ग्रहों की दशा, और कोई उनका पक्का ऐसा दुश्मन उनके ऊपर आ जाता है जो उनको एनर्जी सेंड करता जाता है, तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी बहुत आसानी से हो जाता है। और अगर कोई उनके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं भी करता, उनके ऊपर नजर दोष नहीं भी होता, लेकिन उनके जो कुंडलियों के जो दोष होते हैं वो ऐसा माहौल को क्रिएट कर देते हैं उनकी उनके साथ में कि उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, और वो पूरा जीवन उसी में घूमते चले जाते हैं और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता।
तब ऐसे सिचुएशन पे हम लोग उनकी कॉर्ड कटिंग मेडिटेट ओ सॉरी कॉर्ड कटिंग हीलिंग करते हैं, उनकी वहां पर वो चीजों को कट करनी होती है, तो यहाँ पर हम हीलिंग के लिए उसको यूज करते हैं। क्लियर राहुल? कुंडली देखो दोष भी इससे खत्म हो जाते हैं, कुंडली के पूरे दोष। पूरे दोष तो आपके कर्म अनुसार ही खत्म होते हैं, लेकिन हाँ आप काफी हद तक उसके लिए काम कर सकते हैं, है ना। 100% तो हो भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 100% हो, फिर भी आप 90%, 80%, 70% भी सोच के चलेंगे तो काफी हद तक आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। बहुत प्यारा बेटा है मैम आपका। उतना ही कृष्ण शैतान भी है। बिल्कुल है, अब एकदम कृष्ण है, झलक देख के हम लोग धन्य हो गए। दिखा दीजिए एक बार। हेलो हेलो करो सबको, नमस्ते करो करो, नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो, शर्माना नहीं है, मस्ती खूब बिल्कुल करना है। हम बिल्कुल आपके जैसे जैसा है ब्लेसिंग एक्चुअली। ब्लेसिंग, उसको बहुत सारी ब्लेसिंग। आपके आपके जैसा है उसका से एकदम मिल रहा है आपकी शक्ल। एक मिनट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? लगी है। लोगी हाँ पहना के, हाँ क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ दो मैडम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अभी मेरे को 2-3 बार से ग्रीन कलर का फेदर दिख रहा है, मतलब ग्रीन कलर का फैदर दिखाई दे रहा है आपको, हाँ मतलब वैसे दिखाई दे रहा है या फिर आप विजुलाइज करके उसको देख रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में कहीं ग्राउंड में या कहीं पे भी तो मैं तो मतलब एक आध बार हुआ तो 3-4 बार हो गया ऐसा, ग्रीन ग्रीन कलर ज्यादा दिख रहा है। व्हाइट और ये जनरल तो दिखते ही हैं अपने को, और मेरे को वैसे भी था कि मतलब और कलरफुल फेदर मिलना चाहिए, मुझे कलरफुल दिखना चाहिए। मेरे को फूल पूरे व्हाइट व्हाइट दिखते, जब मैं समझती नहीं थी। लॉकडाउन में एंजल का भी रहता है, जैसे फेदर्स एंजल की प्रेजेंस बताते हैं, फिर मैंने वैसे ही नेट वेट पे देखा था तो पता चला। अभी मुझे ग्रीन कलर का, आज भी बहुत बड़ा ग्रीन कलर का फेदर मिला। ये तो अच्छी बात है ना कि अगर आपको ग्रीन कलर का फैदर नजर आया और आपने बोला कि आपको कलरफुल फैदर चाहिए, तो यानी कि एंजल्स ने आपको कम्युनिकेट करा, इसीलिए आपको कलरफुल फैदर दिखाया। हाँ नहीं तो जैसे अभी अपन मान लो वो फेदर घर पे भी लाते हैं तो अपने को क्या मतलब बोलना चाहिए कि कैसे क्या करना चाहिए? थैंक्स ऐसे देखो, तो करते थे अपन। घर पे लाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको दिखा, आपको बस ये समझ लेना चाहिए कि वो आपके साथ है। अगर आपको घर में कुछ करना ही है तो आप उनके लिए एक ऑल्टर बना सकते हैं, उनके लिए एक ऑल्टर बना सकते हैं, और वहां पर आप एक व्हाइट कलर का कपड़ा बिछा दीजिए। व्हाइट कलर के कपड़े के अंदर आप फ्लावर्स रखें, फ्लावर्स रखकर एक पानी का ग्लास और एक कोई भी फल रखें जो कि फल खराब ना हो, जैसे कि एप्पल हो गया, है ना, हाँ या फिर नॉर्मल कोई भी फल रखें तो आप उसको एक पूरा दिन वहां पे रखा रहने दीजिए या 1 दिन 2 दिन रखे रहने, उसके बाद आप उसको एक प्रसाद के रूप में खा सकते हैं और पानी को भी प्रसाद के रूप में पी सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको ऐसे बाहर से ठीक है आपको दिखाई दिए वो अच्छी बात है, एंजल्स ने आपको अपनी प्रेजेंस दिखाई, लेकिन ऐसे नहीं कि आप वो सारे उठा के ले आए, क्योंकि ऐसे तो वो बहुत दिखाई देंगे आपको। हाँ मैम जैसे ओके बोलते हैं थैंक अभी आजकल 11/11 और 333 बहुत दिख रहा है, यू। हाँ डेढ़ देखिए 11/11 दो देखिए, महीने से। आप कुछ करती हैं कोई प्रोफेशनली या कुछ करना चाह रही हैं कुछ? मैम मैं इनर वर्क करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, और अभी मैंने क्रिया शक्ति और फैमिली कंसलेशन की क्लास भी ज्वाइन करी, हाँ, तो बस स्पिरिचुअल वही प्रैक्टिस। चीज आ रही है ना कि 1/1/1 का मतलब यही है कि कोई ऐसे आपके रास्ते जरूर बनेंगे जिससे कि आप आगे अपना प्रोग्रेस करेंगे, इस चीज को आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपका वो समय आ गया है कि आप इन चीजों को आगे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी, सारे नंबर्स के मतलब क्या क्या है सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक मैम है, हाँ बोलिए अल्पा जी। जैसे कि मुझे तो इतना एंजल के बारे में पता नहीं है, बट ऐसे ही मैंने सुनी थी कि आर्के एंजल माइकल जो होते हैं वो हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमारे माइथोलॉजिकली अगर हम लोग देखें तो। मुझे किसी ने बताया था कि आप ना किसी भी प्रॉब्लम के लिए उनको इन्वोक कर लो और वो आपके सुन लेंगे। तो मतलब कभी भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है कि है, तो मैं ना
वो आ जाती है मेरे मुंह में, मतलब होता है ना ऑटोमेटिकली आ जाती है कि आर्कल माइकल प्लीज हेल्प मी, किसी भी प्रॉब्लम में फंसी हुई रहती हूँ तो मुझे उस टाइम पे ना, और मैं बोलती हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ सिंबल्स दिख, मतलब दिखाइए जिससे ना मैं थोड़ा जानू कि आप मेरे साथ हो। तो मुझे ना ऐसे व्हाइट का बहुत बार मुझे ऐसे कोई बर्ड्स दिख जाती है, नहीं तो ऐसे फीदर दिख जाती है, और एंजल नंबर तो आ ही जाती है वैसे, 12 12 हो गया या फिर 3 3 3 हो गया, मतलब कोई सा भी नंबर ऐसे आ जाता है उस टाइम के ना दौरान। और ऐसे है कि एक दिन मैं ऐसे एक क्रिस्टल शॉप में गई थी, वहां पर ना एक लेडी ने, वहां पर थी मतलब आई थिंक वो एंजल थेरेपी वगैरह कुछ कर रही होगी, तो वो मुझे ना ऑटोमेटिकली एक ब्लू कलर की छोटी सी, एक 2 2 इंच की जो होता है ना छोटे छोटे एंजल्स, वो अपने आप मुझे बताई कि ये वाला ना आप ले लो घर पे और रखो। मुझे तो इतना पता भी नहीं था कौन सा एंजल वो होते हैं, बट वो ब्लू कलर के थे और मुझे भी बड़ा क्यूट लगा तो मैं ले आई, बट वो ब्लू कलर कौन सी एंजल के होते हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंट हो सकता है? अभी आपने बोला ना कि आपको आर्के एंजल, आप माइकल को बहुत बुलाते हैं, तो वो आर्के एंजल माइकल पर्पल ब्लूइश उसी में वो आते हैं, ठीक है। तो अच्छा आपके पास आ गई, एंजल्स ने खुद आपको चुन लिया आने के लिए, है ना, तो वो आपको अच्छा मिल। हाँ मैं उनसे पूछा भी नहीं थी, वो मतलब अपने आप बोली कि आप ये वाला ले लो ना, ये रखो घर पे ये अच्छा होता है, तो मैंने भी पूछा कुछ नहीं, बट मुझे अच्छा लगे तो मैं ले आई एक्चुअली क्या बस। है ना, वो चीज आपको प्रोटेक्शन के लिए होता है बेसिकली। आप रात को सोएं तो भी आप बोल के सोएं कि आर्कएंजल माइकल प्लीज प्रोटेक्ट माय हाउस, तो आप फील करेंगे कि वहां पे आपको वो एंजल नजर आएंगे, मतलब नजर भी नहीं आएंगे तब भी आप उनकी एनर्जी को महसूस। हाँ मुझे उस टाइम मतलब मैं ना बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम में फंसी हूँ और मैं बस एक ही एंजल के मतलब उन्हीं के नाम जानती हूँ कि आर्कएंजल माइकल प्लीज आर्कएंजल हेल्प मी। माइकल को ज्यादातर लोग जानते हैं क्योंकि बड़ा उनका नाम, अगर आप मतलब कहीं पे भी आता है ना, आप कोई ऐसी मूवी भी देखते हैं उसमें भी आप उनका नाम आ जाता है कई बार। अभी मैं कोई मूवी देख रही थी, मतलब मैं नहीं देख रही थी, मेरे बच्चे देख रहे थे, तो द नन, तो उसमें भी वो आर्कएंजल माइकल को बुला रहे थे उनको वो प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो एक हॉरर मूवी है, तो उसके अंदर वो आत्माओं को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर रहे थे। तो मतलब आर्कएंजल माइकल का नाम आप इजिली कहीं भी सुन सकते हैं। हाँ मतलब जैसे और कि अब मैं 2 दिन पहले भी बताऊं तो हम लोग ऋषिकेश गए थे और इतना ज्यादा वो गंगा दशहरा था तो इतना भीड़ था, और मैं बस रास्ते में और इतना ट्रैफिक में हम लोग फंस गए थे, मैं बोली थी प्लीज आर्कएंजल माइकल प्लीज ये थोड़ा हम लोग बस दर्शन कर दिया, आरती देख लिए, संध्या आरती जो है ना हमें बस टाइम पे पहुंच जाए। आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब तो कितना इजीली हम लोग पहुंच गए, आप मतलब सब लोग इतना शौक थे, तो वो तो होता है उनका तो प्रेजेंस ही मैं मतलब आपको बहुत है। यही यही मैंने आपको बोला ना कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए उनको इन्वोक करेंगे, तो आप देखेंगे आपको हाँ उतनी चमत्कार नजर आएंगे। हाँ प्रोटेक्शन के साथ साथ बहुत सारे हेल्प और मिल उसी के जाते। साथ साथ जब आप हीलिंग सीखेंगे, जब हमने आपको बताया जो अच्छा आपके 30 स्पेल्स हैं, तो आपको लगेगा कि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा लगता है कि आपके पास हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आ गया। हालांकि हम लोग ऑलरेडी अच्छा हीलिंग करते हैं, मैं पहले रेकी करती थी, मैंने सबसे पहले रेकी सीखा था, मैं वो सब हाँ करती थी, उसके बाद फिर मेरे एक्चुअली एंजल नहीं करना चाहती थी, मुझे लगता था कि मतलब मेरा उस चीज पर उतना नहीं था, बट वो मुझे दिखाई देते थे, एंजल्स मुझे दिखते थे। अब मुझे समझ नहीं आता था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, बहुत जबरदस्ती करके उसने मेरे से ये कुछ करवाया। फिर मैंने सिर्फ उसके लिए, मतलब वो बहुत बोली जा रही थी, मैंने कहा चल कर लेते हैं, लेकिन जब मैंने उसको किया तो फिर उसको करने के बाद मैं समझ पाई कि जैसे लगता है ना कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आपके पास रहता है। अभी क्या है कि जब हम लोग हीलिंग करते हैं, चाहे हम रेकी हीलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने सिंबल्स का यूज करते हैं, कुछ भी है, लेकिन हम कार्ड हीलिंग जरूर लगाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप उसमें कार्ड हीलिंग लगाते हैं तो आप उसमें कैंडल्स लगाते हैं, और वो कैंडल्स आपकी 2 घंटे, कम से कम आपकी 2 घंटे तो चलती ही है। तो हम जब अभी भी, थोड़ी हाँ थोड़ी देर जब पहले तक आप अभी बताए ना, आपकी, हाँ जब हाँ तक जी वो बताइए। कैंडल्स आपकी जलती रहती है ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग होती रहती। अच्छा तो इसमें आप अभी थोड़ी देर पहले बताए ना कि कार्ड्स मतलब टैरो का भी मतलब ये आता है, तो इसमें क्या टैरो एंजल का टैरो देखिए कार्ड इसमें आता है? टैरो का आपको कोई लर्न नहीं करना है, उसके अंदर टैरो का कुछ नहीं है, सिर्फ का टैरो का जो डेक आता है वो उसमें यूज होता है हीलिंग के लिए। अच्छा अच्छा ये ओके ओके डोरेन वर्चू का है मैम, मेरे पास हाँ जी डोरेन वर्च्यू का कई सालों से रखा है आर्कएंजल ओरेकल कार्ड, ये वाला। ये जो है ना हमारे कार्ड जो आपने दिखाया है अभी, ये कार्ड भी हम आपको सिखाएंगे, ये हम रीडिंग में सिखाएंगे, कार्ड रीडिंग। इसके अंदर कितने कार्ड्स हैं?
या गीना तो नहीं हूं मैं, होंगे मैम। हाँ, तो ये जो आपके कार्ड्स है ना, ये सिर्फ आपके उसमें आएंगे रीडिंग के अंदर, जब आप इसमें रीडिंग करेंगे तो ये आपके काम आए। लेकिन हीलिंग के अंदर हम जो आपके जो टैरेट डेक आता है वो यूज होगा, उसके अंदर जो आपके कार्ड्स होते हैं, जो उनके हर एक एक कार्ड की अपनी एक एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी प्लस एंजल्स की एनर्जी वहां पर काम करती है, और प्लस आपकी इंटेंशन, और वहां पर आप चाहे तो अपना, जैसे हम लोग रेकी करते हैं, तो आप वहां पर अपने सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई और मोडालिटी से ज्वाइन है तो आप वहां पर उस मोडालिटी के साथ भी मिलकर, मतलब सब जोड़कर उसको आप हीलिंग दे सकते हैं, तो वो एक पावरफुल हीलिंग होती है। एंजल हीलिंग के अंदर सबसे आसान काम ये होता है कि जब आपकी, आप जैसे बीमार है, तबीयत खराब है, क्योंकि हर किसी की तबीयत खराब हो सकती है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, कभी कभार हमारी भी तबीयत खराब हो सकती है ना। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपका दिल क्या करता है? आपका दिल करता है ना आप आराम करो, आपका दिल करता है कि कोई और आकर आपको हील करे, लेकिन आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई आपको हीलिंग दे। तो सबसे आसान काम है, आप कार्ड के साथ हीलिंग लगा के छोड़ दीजिए 2 मिनट विद इन, मैं कहती हूँ 5 मिनट, अगर मैं बोलूंगी तो बहुत लंबा है 5 मिनट, सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर भी वो हीलिंग हो जाती है। आपने बस कार्ड लगाए, आपने प्रेयर करी, आपने एंजल्स को इन्वोक करा, आपने विद इन सेकेंड में, आप जब मेडिटेशन करने बैठते हैं विद इन सेकेंड में आपको वो सारी चीजें आपको पता चल जाती है। अगर आप किसी क्लाइंट को भी हीलिंग करेंगे ना, तो आप विद इन सेकेंड में बता देंगे कि उसको क्या, उसको प्रॉब्लम है, उसका कहाँ पर उसका ब्लॉकेज है, कहाँ पर क्या है, और बस इतना करने के बाद आप बस अपना जाके बेड पे सो जाए, और आपको कुछ नहीं करना, अपने आप वो हीलिंग होती रहेगी। आप दिन में 2 बार करिए, आप दिन में 4 बार करिए, क्योंकि जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हीलिंग होती है उसको आप दिन में डबल बार भी कर सकते हैं, नॉर्मल को हम दिन में सिर्फ एक ही बार करें। ठीक, चलिए, हाँ बताइए राहुल जी। मैम, मेरा भी क्वेश्चन था मैम। हाँ बताइए आरती जी। राहुल हाँ, जी दो आपकी चीज़ वॉइस क्वेश्चन। नहीं आ रही। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ अब आइए। हाँ जी, मैं कह रहा था मैम, एक तो मैम ये मैंने सुना है मैम, लाखों एजेंट एंजल्स होते हैं। क्या होते हैं? लाखों, हाँ लाखों होते हैं, लेकिन हम बात 15 की करेंगे, और अगर आप 15 के साथ ही कनेक्ट कर लिया तो आप लाखों के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। कि उन लाखों के ऊपर भी कुछ मास्टर्स एंजल्स होते हैं, कुछ मैंने सुना है। आर्की एंजल मास्टर्स भी हैं, अच्छा, जो हमारे 15 आर्की एंजल्स हैं ये मास्टर्स ही। ठीक है, और मैम शेयर कर रहा है क्या कि मैं तो खुद आपसे जुड़ा हुआ हूँ, लगभग साल भर होने वाला है, और लगभग सभी कोर्सेज पे लगातार मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे कंटिन्यू रहे हैं, लास्ट सितंबर में जुड़ा था आपसे और लगातार मेरे कंटिन्यू है, और हर कोर्स मैंने आपका ज्वाइन किया है, और काफी मुझे आपने बहुत सारे सिंबल्स दिए, आपने बहुत सारी मेडिटेशन कराई, आपने बहुत सारे उन सिंबल्स के साथ मुझे अलाइन कराया, मतलब उनको उन मेडिटेशन की, और लगातार चक्रास भी अलाइन हुए मेरे, तो मैं बड़ा खुश हूँ, और मैं लगातार मैं सभी से ये कहूँगा कि आप जरूर कोर्स ज्वाइन करें, और क्योंकि मैम का तो स्टार्टिंग से बेसिक होता है, वो रेकी से स्टार्ट होता है, और फिर तो आप अगर आपने जर्नी स्टार्ट की तो फिर लगातार ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं ये सफर। थैंक यू, थैंक यू राहुल जी। खुश हूँ, मतलब मैं बड़ा सौभाग्य भी हूँ कि मैं मुझे आप मिले, और जब से आपसे मुझे मिले हैं तो मेरे अंदर काफी एक ऊर्जा का संचार हो रहा है, और काफी सारी चीजें सिंपल से मैंने सीखी हैं, और आपने तो करीब कम से कम 2500 सिंबल्स दे चुके हो आप लगातार, एक में तो 100 सिंबल है, एक में मतलब, और लगातार सिंबल ही सिंबल में ये सारे प्रॉब्लम्स की जो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलता है आपके ये कोर्स के अंदर, सभी तो मैं तो काफी ज्यादा मतलब आपसे मतलब अटैच भी हूँ काफी समय से, और मैं और लोगों से कहना चाहता हूँ, बस ऑल दो मेरे ख्याल से
80% तो हमारे पुराने ही साथी हैं इसमें जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और बाकी पार्टिसिपेंट भी हैं, हो सकता है आपको ना जानते हो, बट अगर आप एक बार मैम से जुड़ोगे तो आप फिर उस मैम का साथ में छोड़ोगे, लगातार आप कंटिन्यू करोगे। चलिए चलिए, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू, मैं यही कहूँगी थैंक सभी लोगों को मैम के साथ जुड़ना चाहिए और सीखना चाहिए ये सारी चीजें, क्योंकि मैम बड़ा प्यार से समझाती हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर देती हैं। तो मैम का ना कोई टाइम का ड्यूरेशन नहीं, यू। कुछ वो 3 घंटे भी हो जाते हैं। जैसे नहीं कई बार तो हमारे 11-12 जैसे 9 बजे वाली क्लास होती थी, 12-12 भी तो चलती थी, और इतना बढ़िया चलता था हमारा सेशन, जिसका कोई मतलब रिकॉर्ड ही नहीं है। वो मैं बड़ा याद करता हूँ उस समय, क्योंकि अभी तो हमारी क्लास 7:30 के आसपास चलती है मैक्सिमम, तो जो कि 9 बजे का गैप हो रहता है ना, अदरवाइज तो मैम की सभी क्लास सुपर हिट रहती है, एक एक क्लास। तो मैं थोड़ा तो चलिए, थैंक यू राहुल जी। चलिए फिर, आप तो ज्वाइन कर रहे हैं ना, आपने तो ले लिया एडमिशन। हूँ पहले से ही, तो लगातार कोई कोर्स छोड़ा नहीं है मैंने आपका। तो चलिए चलिए, थैंक यू। हाँ जी आरती जी, बताइए आप कुछ कह रही थी। अच्छी मैम, मैम मैं टेरो भी सीखी थी, फिर हम लोग न्यूमो के भी क्लास किए थे, पर अच्छा, फिर मैम क्या है, टैरो टेरो की सीखा था प्रैक्टिस और क्या चल रही बोला थी, आपने? हेल्थ टैरो के बाद आपने क्या बोला? न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी की मैम। यस मैम, तो क्लास किए थे मैम। मैम कुछ और तो इसके लिए कोर्स नहीं करना पड़ता ना नहीं मैम, नहीं कि इसमें मतलब कुछ तभी कोर्स सीख नहीं सकते? करना आपको, ये कंप्लीट कोर्स जी मैम। मैम जैसे कि अभी मैं टेरो का माने प्रैक्टिस चल ही रही थी मैम हल्की फुल्की, लेकिन मैम अभी 3 हफ्ते से ऐसा हुआ कि मतलब घुटनों में इतना ज्यादा दर्द हो गया कि जैसे उसका प्रैक्टिस भी करती थी वो भी छूट गया, फिर मतलब ना उठते बन रहा है ना बैठते बन रहा है। दवाई तो ले रही मैं, लेकिन पता नहीं मैम घुटने में क्या हो गया एकदम अचानक मैम, मतलब कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ सो के उठी और मतलब वो घुटना जकड़ा हुआ था, फिर मैम पूरा पैर में दर्द रहता है ना, मुझे बैठते बन रहा है। मैं मतलब आज ही मैं सोच रही थी मैम कि क्लास कैसे करूं आपकी, मतलब आज हुआ मैम सुबेरे की मतलब मैं अचानक देख रही थी, फिर मुझे ये कोर्स करने का बहुत दिन से मन था मैम, पर थोड़ा मतलब थोड़ा क्योंकि दूसरे दूसरे कोर्स चल रहे थे तो फिर नहीं कर माने इसमें अभी नहीं सीख रही थी मैम, फिर आज अचानक मैम मन हुआ पूछी, तो फिर बोले कि आज है क्लास करके स्टार्ट होने वाला है कोर्स करके, चलिए कोई बात तो नहीं, मैम आप आज फिर रात को जब सोएंगे तो आर्कएंजल माइकल को बुला के सोइए, उनको हेल्प, उनको बोलिए कि वो हील करें। इसके अलावा आप जी मैम आर्कएंजल रफल को बुलाइए, उनको बोले कि वो आपको हील करें, आपकी नी को हील करें। यस मैम। हाँ मुझे तकलीफ हो जा रहा है उसके कारण, अभी मैं बैठी भी ना मैं बहुत आपने तो तकलीफ में रेकी बैठी मतलब सीखा, कि आपने तो, आप मुझे मिले थे ना वहां पे। हाँ मैम रेकी भी कर रही थी मैम, लेकिन फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल तक भी कर ली मैम, लेकिन कभी अब डू पर ट्राई नहीं की मैम मतलब हाँ, तो आपने फर्स्ट सेकंड लेवल तो किया है ना, तो आप अपना सिंबल डाल के भी उसको हीलिंग करें, है ना? और यस मैम नहीं तो यस आप मैम एंजल्स को इन्वोक करके करें, तो यस वो मैम और भी आपके लिए आसान है करना। ठीक है, ओके मैम। क्लास कब से स्टार्ट होगी और टाइमिंग क्या रहेगा मैम? हाँ अभी बताती हूँ मैं। चलिए, यस मैम थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी प्रमोद जी, आप भी कुछ कह रहे थे शायद से, फिर आप। मैडम एक न्यूमरोलॉजिस्ट को मैंने कंसल्ट किया था करीब 1 साल पहले, तब उन्होंने मेरे को एरियल और रफेल और माइकल इन तीनों के लिए बोला था कि आप इनके लिए कुछ कीजिए। तो मैंने ना उनकी जो रेमेडीज की थी ना एरियल को इन्वोक करने की, तो वो काफी फायदेमंद रही। आपने तो रिकॉर्डिंग लिया है ना एंजल्स की? रिकॉर्डिंग लिया है लेकिन मैं देख नहीं पाया हूँ मैं आपको बोला ना प्रॉब्लम्स की वजह से देख नहीं पाया, हाँ लेकिन उन्होंने जो मेरे को जो बताया था ना मतलब जिनसे मैंने कंसल्टेशन किया था उस समय, तो एरियल को कैसे इन्वोक करने का वो जो मेरे को फायदा पहुंचा है ना, तो जब भी क्लास ज्वाइन किया था मैंने रिकॉर्डिंग तो लिया ठीक है देख तो पाए नहीं, अभी फिर ज्वाइन कर लेंगे तो और फायदा हो जाएगा। तो मैंने बोला कि एंजल्स होते हैं और मैंने उनको एक्सपीरियंस किया है, आर्कएंजल रैफेल को भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, एरियल को भी एक्सपीरियंस किया है, माइकल को भी एक्सपीरियंस किया, तो जो मैं देख रहा हूँ कि नई चीजें होती है जैसे पर्टिकुलर पंख का मिलना या पर्टिकुलर नंबर का दिखना,
वो तो अपने प्रेजेंट करके सुगंध भी आती है, इसमें खुशबू भी आती है। जब मैंने अपना ये काम शुरू किया था ना, तब मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे को ये कैसे करूंगी मैं, क्या होगा। मैं गुरुजी पहले मैं एज अ हीलर मैंने काम किया, लेकिन जब मैंने एज अ हीलर भी काम किया तब भी मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरीके से कोई जॉब मिल जाएगा, या फिर मैं उसके बाद यहाँ पर गुरुजी ज्ञान के साथ में जुड़ जाऊंगी। लेकिन मुझे उससे पहले हमेशा 1-1-1, जैसे वो भी बता रहे थे ना कि मुझे 1-1-1 नजर आता है, मुझे भी हमेशा 1-1-1 नजर आता था, बट मुझे पता नहीं था कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, मुझे नहीं पता था, और मैं ऑटोमेटिकली, मुझे भी नहीं पता कि कैसे मैं कहाँ से इस चीज के अंदर आ गई, और ये मेरा एज अ प्रोफेशनल मैं इसमें आ गई था। लेकिन मैंने, जब हर कोई सीखता है, अपने लिए सीखा था मैंने भी, अपने आप को हील करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। लेकिन हाँ, ऐसा मैं सोचती थी जब मैं वहां जाती थी, वहां पे मैं देखती थी उन लोगों के साथ जो लोग काम कर रहे होते थे, तो मैं सोचती थी कि कभी मैं भी यहाँ पर खड़ी होंगी, ऐसा मेरे मन में ऐसे विचार आते थे उस वक्त में। तो वो चीज शायद से मैनिफेस्ट हो गई, क्या हुआ, लेकिन मैं आज आपके साथ। और रही बात, जैसे उन्होंने बोला ना पंख, आज उनको ग्रीन कलर का पंख मिला, तो मैं भी एंजल्स को यही बोलती थी कि आपके फैदर्स, पंख मिलना तो बड़ी कॉमन सी बात है, वो तो कहीं भी मिल सकता है ना। कुछ ऐसा करो कि जो मतलब विश्वसनीय ना हो, मतलब किसी को कोई विश्वास ना कर सके। मुझे ऐसे अपनी प्रेजेंस बताओ, बाहर तो कहीं भी पंख मिल जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम ये कोर्स करके आप बाहर आते हैं ना, तो हम उन चीजों को नोटिस करने लगते हैं, गाड़ी के पीछे नंबर क्या है, उससे पहले हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन तब हमारा ध्यान जाता है। और मेरे को इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता है, मतलब मैं बड़ी लॉजिकल चलती हूँ, तो मैंने कहा ऐसे तो सब जगह कहीं भी मिल जाता है ना। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मुझे कहीं पे बटरफ्लाई दिखाई दे, पर मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखाई देती थी। कहते हैं बटरफ्लाई दिखती है ना तो वो एंजल्स का साइन होता है, वो तो मुझे बहुत टाइम के बाद दिखनी शुरू हुई, और अब ऐसे दिखनी शुरू हुई है कि हर दूसरे दिन दिखी जाती। ठीक है, उसके बाद में जब मैं बोलती थी कि फैदर तो कहीं भी आ सकता है, आप मुझे कुछ ऐसा दो, मतलब कुछ इस तरीके का हो जो विश्वसनीय ना हो, कि मतलब मुझे एकदम से ऐसा लगे कि ये कैसे हो गया। तो मैंने ऐसा बोला, बस बोल के मैं भूल गई। उसके बाद मैंने अपने वॉशरूम के अंदर पंख देखा, और जबकि मेरे वॉशरूम हर तरफ से बंद है, सब कुछ है, वहां से कोई पक्षी नहीं आ सकता, वहां से कुछ नहीं हो सकता, और वहां पर मुझे वो पंख नजर आया। तब मुझे उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव हुआ। एक बार मैं पढ़ा रही थी, मैं पहले भी पढ़ाती थी, जैसे मैं टीचर थी पहले भी, तो मैं अपनी क्लास में पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते मेरे वैसे झपकी लग गई, और ऐसे मेरे आंख खोली तो सामने एंजल्स ऐसे खड़े, आर्के एंजल माइकल थे वो, ऐसे उनके प्रेजेंस मुझे दिखाई दी। हालांकि उनका कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन वो एक बहुत 7 फिट उनकी हाइट होती है, वो मुझे इस तरह से दिखाई दिया, और मुझे एक पल के लिए तो मैं डर गई कि ये क्या चीज आ गई है यहाँ पे। फिर दूसरे ही पल मेरे को दिमाग में आया कि अरे ये तो आर्कएंजल माइकल। और उसके अलावा जब मैं क्लास ले रही थी, मतलब कोई और क्लासेस, जैसे हम लोग भी क्लासेस लेते रहते थे, तो जो हमारे टीचर थे उनके आसपास में मेरे को एंजल्स नजर आ रहे थे, और मैं उनको पूछा कि यहाँ पे मुझे ना कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ रोशनियां नजर आ रही हैं, तो उन्होंने बताया कि एंजल्स हैं ये जो हमेशा मेरे साथ रहते। तो मैं इतना विश्वास नहीं करती थी, पर बाद में फिर मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लग गया, और फिर जब विश्वास हुआ तो फिर मैंने बहुत सारे अपने खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत काम किया, और मुझे उसके रिजल्ट मिले। प्लस मैंने रेकी को भी साथ के साथ, मतलब रेकी एंड एंजल थेरेपी दोनों को जोड़ के मैंने काम करा। कभी कभी रेकी ज्यादा यूज होती है, तो कभी कभी एंजल ज्यादा हीलिंग में इस्तेमाल हो करते हैं, मतलब जैसे इंट्यूशन आती है उसके अकॉर्डिंगली मैं काम। ठीक है, मैम, आप लामा फेरा भी सीखे हैं क्या? हाँ मैंने लामा फेरा सीखा है, बट मैंने उसके ऊपर अभी इतना कोई काम नहीं करा, बट हाँ जो उनके शैल्विक मंत्राज है उनके ऊपर मैं काम। मैम जैसे मैं हीलिंग करती हूँ ना, तो जैसे मान लीजिए चेहरे मुझे सामने दिखते हैं अपने, क्या बोला आपने, क्या बोला आपने, जैसे मैं, चेहरे चेहरे नजर आते हैं सब,
आंखें जैसे बंद करती हो ना, तो हम नजर के सामने मनुष्य के चेहरे जैसे कोई पहचाना है कोई अनपहचाना है ऐसा दिखता है, तो इसका क्या मतलब होता है कुछ? मतलब चेहरे नजर आते हैं, मतलब लोगों के चेहरे नजर आते हैं जिनको हाँ आप नहीं लोगों के जानते, चेहरे, जिनको आप नहीं जानते, है ना। हाँ। तो ये एक तरीके से आपको अपनी कॉर्ड्स को कट करना पड़ेगा, अच्छा कॉर्ड्स कट करने पड़ेंगे, जाने अनजाने में ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। देखो हाँ लोग हमारे साथ कहीं भी जुड़ जाते हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं ना, हम ऐसे भी किसी को देख के बोल देंगे ना, ये व्यक्ति तो बड़ा अच्छा लग रहा है, या ये व्यक्ति ऐसा है, या कुछ भी, तब भी कहें हमारी कॉर्ड उसके साथ जुड़ जाती है, ठीक है। और पहले पहले हमें नहीं लिखते थे। हाँ मैं कह रही हूँ ना, जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे वो चीजें आपके सामने आएंगी, और आपको फिर उन चीजों को निकाल कर बाहर, निकल कर बाहर आना है और आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आपकी अच्छा मेडिटेशन पावर्स बढ़ेंगी ऐसे ऐसे तो चीजें देखेंगी ना, जैसे जैसे आपकी थर्ड आई काम करने ज्यादा शुरू हो हाँ जाती है हाँ तो आपको चीजें दिखने हाँ लग जाती है ना। तो ये सही वो बात चीज है। होती है, तो वो इस तरीके से आपको वो हेल्प करते हैं कि मतलब आपको अब आगे उन चीजों से बाहर निकलना। कई बार नहीं होता लोग अच्छा पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो हाँ पूजा अंदर अंदर के इमोशंस बाहर निकलते हैं, बहुत रोना आता है, बहुत गुस्सा भी आता है किसी के ऊपर, बहुत प्यार भी आ जाता है, ऐसी भावनाएं बाहर निकलती हैं। उन भावनाओं पे फिर हमें कंट्रोल करना पड़ता है, बट क्या होता है ना, लोगों को पता नहीं होता कि कैसे हम उन भावनाओं पे कंट्रोल करें, और वो फिर भटक जाते हैं, या तो पूजा पाठ कर, अब जैसे अभी जस्ट की बात है, उनका कुछ प्रॉब्लम था बिजनेस में, इसी इन सब चीजों में। अब जैसे उनको किसी और किसी के पास वो गए, उन्होंने वहां पे रेमेडीज ली, रेमेडीज करी तो और प्रॉब्लम आ गई। अब वो मेरे से उनका कनेक्शन हुआ जब, तो मैंने, तो अब क्या है ना कि जो चीजें हैं पहले वो चीजें बाहर निकलेंगी, फिर वो चीजें सही होती। कभी ऐसा भी होता है, तो ऐसे घबराना नहीं है, हाँ आपको थैंक सिंपल आपको कॉर्ड कट करना। आपने तो मेरे ख्याल से यू। रेकी किया है हाँ ना। रेकी किया है मैंने, करुणा रेकी भी क्लास खत्म हो गई ना आपके साथ थी, करुणा हाँ रेकी में भी, तो मैं सोच रही थी थैंक यू मैम आपने सॉल्यूशन दे दिया कि मैं क्या करूं, मुझे ऐसे ऐसे क्यों दिखते हैं वो, एक हफ्ते से ऐसा होता है, पहले नहीं होता था, आप लेकिन उनके अभी साथ, आपने सॉल्यूशन दे दिया। थैंक उनके साथ कॉर्ड यू मैम। कटिंग करिए, नॉर्मल करिए, हम नहीं भी जानते किसी को भी, तो भी आप यूनिवर्स को साक्षी मानकर आप वहां पर अपनी कॉर्ड्स को कट। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मैम मच। सेम मेरे साथ होता है और कभी कभी फील होता है, और चंद्रिका जी ने पूछ लिया तो मुझे भी जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच चंद्रिका जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए आप शशि जी बात कर रही हैं। हाँ मैम, ओके ठीक है आपने कैमरा बंद रखा हुआ है। हाँ मैम एक्चुअली लाइट ऑफ है इसलिए। मैम एक चीज पूछना था आपसे कि जैसे हम रेकी में 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं, तो इसमें भी हम बॉडी पार्ट्स की हीलिंग कर सकते हैं क्या? इसमें हम बॉडी पार्ट की हीलिंग नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ऑरा तो क्लीन करेंगे, ऑरा क्लीनिंग करेंगे। जैसे बोल, तो किसी को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो इससे हीलिंग से वो इसमें ये वर्क करेगा? हाँ किसी बिल्कुल को करेगा, हेल्थ इश्यू में जब जब आप हेल्थ इश्यू को काम करेंगे ना, तब ये सारा आपका वर्क करेगा। जब आप हेल्थ के लिए, वैसे तो आप इन्वोक करके भी काम करेंगे, साथ में जब आप हीलिंग सीखेंगे ना, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करे। और मैम आपने जो बोला था कि इसमें डेक का यूज होगा, तो मेरे पास, मैं भी टैरो का क्लास कर रही हूँ, तो मुझे मेरे पास जो है तो एक राइडर, जो आपके टैरो डेक है ना, जो आपके रीडिंग के टैरो डेक है वो आपके अलग होंगे, और जो आपके हीलिंग के टैरो डेक है वो अलग होंगे, क्योंकि जो रीडिंग के टैरो डेक होते हैं ना, उसको कोई टच नहीं करता है, मतलब वो हमारी एनर्जी के साथ ही रहने चाहिए। लेकिन जो हम लोग वैसे करते हैं ना, जब हीलिंग करते हैं, उसको कोई टच भी कर देता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हीलिंग जब आप उन कार्ड्स के साथ करेंगे, तो आप जिस व्यक्ति के साथ कनेक्ट करके हीलिंग करेंगे, तो वहां पर उस व्यक्ति की एनर्जी भी आएगी। उसके बाद उसको कैसे ठीक करना है, क्या करना है, वो सब तो मैं आपको बताऊंगी क्लास के अंदर, लेकिन वो आपके फिर हीलिंग के लिए अलग यूज होंगे, और जो आपकी रीडिंग के हैं वो सिर्फ आपने रीडिंग के लिए इस्तेमाल करना है, उसको आपको यहाँ पर यूज नहीं करना, ठीक है मैम। ठीक और है। मैम क्लास क्वेश्चन है, आप रेकी क्लास कब शुरू करेंगे मैम? मुझे बहुत ज्यादा वेट है उसका, काफी बहुत, मैं बता नहीं सकती मैं कितना वेट कर रही हूँ उसके लिए, ग्रैंड मास्टर रेकी का। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है मैम। जल्दी।
उम्मीद है कि ये कोर्स खत्म होते होते वो स्टार्ट हो जाए शायद। शायद हो सकता है, पहले भी हो सकता है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। चलिए अच्छा, कोर्स डिटेल पूछ रहे थे आप। 25 जून से है ये क्लास स्टार्ट है। ये 25 जून जो अभी आपका कमिंग 25 जून है, क्लास टाइमिंग आपके ट्यूसडे थर्सडे रहेगी 9 PM। और ये आपका 2 मंथ्स का कोर्स है और ऑल सारी क्लासेस आपकी जूम पर होंगी। और आपको ये 2 साल के लिए सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब उसमें क्लियर होंगी। और बाकी आपके एकेडमिक मेंबरशिप आपको मिलेगा ही, आप एक बार इसको रिपीट भी कर सकते हैं, नोट्स वगैरह आपको सब मिलेंगे, सर्टिफिकेट आपको सब। पेमेंट डिटेल है आपके पास में। आफ्टर डिस्काउंट जो न्यू पार्टिसिपेंट है 7100 है, आफ्टर डिस्काउंट 5100 है, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 7100 आफ्टर डिस्काउंट 4240। ठीक है, ये आपका बैंक का नाम, फोन नंबर दे रखे हैं, अकाउंट नंबर दे रखा है और ये नंबर्स हैं। आप इस पर भी करके आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं या फिर इन्हीं नंबरों पर आपको स्क्रीनशॉट देना है, या आप डायरेक्ट ऑफिस में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर नहीं है तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, थैंक यू और अगर मैम, है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ट्वेंटी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, फिफ्थ को मिलते हैं आपसे। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।